हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग मजे में होंगे। तो फाइनली गाइज, मैं अपनी फेस कैम वीडियो डाल रहा हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। तो कुछ दिन पहले मैंने अमेजोन से एक माइक ऑर्डर किया था, तो फाइनली ये माइक आ चुका है। ये बोया का M1 माइक है, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर दूसरा यूट्यूबर इस माइक को यूज कर रहा है। तो मैंने भी कुछ यूट्यूबर्स को देखा, तो मैंने भी उनको फॉलो करते हुए माइक ऑर्डर कर दिया। तो सिंपल इस माइक को आज रिव्यू करेंगे, लाइक इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसमें ऐसा क्या है जो लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं, और लास्ट में हम कंपेयर करेंगे इस बोया M1 माइक की वॉइस क्वालिटी को अपने डिफॉल्ट वॉइस क्वालिटी से। तो वीडियो को पूरा देखना और कोई भी स्टेप मिस मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी कभी इस लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो ये है बोया का BY-M1 माइक्रोफोन। बॉक्स तो देखने में इसका बहुत अच्छा लग रहा है, और इतने चीप प्राइस में इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको देखने में मिल रहा है। ये ओनली 730 से 760 के बीच में आपको पड़ जाएगा। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट परचेज करना है, तो मैं सिंपल इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। अगर इस बोया माइक्रोफोन के फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो सिंपल आप इसको यूज कर सकते हो अपने DSLR, कैमकॉर्डर, स्मार्टफोन, PC के अंदर। और सिंपल जो भी आप माइक्रोफोन यूज करने वाली है, कंडेंसर माइक्रोफोन होने वाला है, और इस माइक्रोफोन का स्पेशली फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। और इस माइक्रोफोन की सबसे खास बात यह है कि आप इसमें जो भी रिकॉर्ड करोगे सराउंडिंग में, उसकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस माइक्रोफोन के साथ आपको एक एडाप्टर और एक वाइल्ड स्क्रीन एंड LR44 बैटरी एंड एक लेबल क्लिप मिलेगी। LR44 एक सेल होता है, एक्चुअली जो पहले घड़ियां पहनते थे बच्चे लोग, उनमें जो छोटे छोटे सेल लगते थे, उस टाइप का सेल होता है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, तो इसका जो ट्रांसड्यूसर वो कंडेंसर है, इलेक्ट्रेट कंडेंसर, जैसे मैंने आपको बताया कंडेंसर माइक्रोफोन है। और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी जो रेंज मिलेगी वो आपको 65 Hz से 18 kHz तक मिलेगी। और इसमें जो आपको कनेक्टर मिलने वाला है वो 3.5 mm का कनेक्टर होने वाला है। साथ के साथ जो आपकी बैटरी टाइप, जैसे मैंने आपको बताया LR44 की जो बैटरी है, एंड जो इसका वेट होने वाला है, इसमें माइक्रोफोन का वेट 2.5 g है, एंड इसका जो पावर मॉड्यूल उसका 18 g है। अब हम इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे एक वारंटी कार्ड दिया है, इसको साइड में रखते हैं। साथ ही साथ इसमें एक इंस्ट्रक्शन फाइल दे रखी है, लाइक आपको कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है, इसको भी साइड में रख देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन चीज के बारे में। तो यहाँ पे आपको इसमें माइक्रोफोन दिख जाता है, साथ के साथ इनमें कुछ और चीजें हैं, लाइक आपका यहाँ पे एडाप्टर दिया हुआ है, साथ के साथ क्लिप दी हुई है, और आपके देखो जैसे मैंने आपको बोला था ये सेल है, तो यहाँ पे एक सेल भी दिया हुआ है, साथ के साथ आपका फॉर्म जो है फॉर्म भी दिया हुआ है, तो इसको भी देखते हैं। और इसमें है कुछ नहीं है, तो इसमें कुछ ऐसा लेबल दिया हुआ है, तो इसको भी रख देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। तो सिंपल इसको अब हम चेंज कर लेते हैं लाइक, तो पहले इसको ओपन कर लूंगा मैं। तो अभी सेल को हम फिट कर लेते हैं इसके अंदर। तो सिंपल ये यहाँ से ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये सेल आ रहा है जैसे कि, तो इसमें सिंपल यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। प्लस का जो आएगा वो नीचे आएगा, देन जो माइनस होगा वो ऊपर आएगा। तो सिंपल इसको फिट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। जो हो गया फिट हमारा सेल इसमें, अब इसको हम लगा देते हैं। ठीक है ना, सेल तो ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिट, एंड इसमें को लगा देते हैं हम यहाँ पे इसका जो फॉर्म है, देन इसकी जो क्लिप है, ये क्लिप होगी, वो क्लिप को हम यहाँ पे फिट कर देते हैं इसके। इस तरीके से क्लिप हमारी फिट हो चुकी है, आप इस क्लिप को कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ इसमें एक एडेप्टर भी दिया हुआ है, आप इस एडेप्टर को यहाँ पे फिक्स करके देन अपने PC वगैरह में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन आप इस माइक्रोफोन को अपने PC से कनेक्ट कर सकते हो।
तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी के ऊपर। अभी आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हो वो आप मेरे पीसी की वॉइस सुन रहे हो। अब मैं इस माइक को सेटअप कर लेता हूँ, तो चलो इस माइक को पहले सेटअप कर लेते हैं। तो इस माइक को मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया है, तो अभी आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हो वो इस माइक की वॉइस सुन रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना आपको इस माइक की वॉइस कैसी लगी। और अगर आपको ये माइक परचेज करना है तो इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सिंपल वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब से मैं जो भी वीडियो बनाया करूंगा इस माइक के साथ ही बनाया करूंगा। और अब हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना, और साथ के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी ये लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू सून।